हेलो फ्रेंड्स, आई एम फ्रॉम द इनफ। फ्रेंड्स, आज हम बीए प्रोग्राम थर्ड ईयर पॉलिटिकल साइंस के लेसन के हर एक चैप्टर, जो भी आपके चैप्टर्स हैं बुक में, उस सभी चैप्टर का एक एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं कि किस चैप्टर में किस तरह का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको किस तरह से अटैम्प्ट करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स आप जानते हो कि आपका पॉलिटिकल साइंस का बुक जो हैगा ये अंतर्राष्ट्रीय संबंध, उसके अंदर में फ्रेंड्स अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अंदर में जो पहला चैप्टर है उसके अंदर हम बात करते हैं राष्ट्रीय संबंधों के उपागम। इसके अंदर में नॉर्मल फ्रेंड्स अगर इस चैप्टर की बात करो तो इसके अंदर में तीन क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। इस क्वेश्चन में तीन क्वेश्चन बनते हैं। तीन क्वेश्चन वो किस तरह के हो सकते हैं फ्रेंड्स? तीन क्वेश्चन जो आते हैं वो तीनों दृष्टिकोण के ऊपर आते हैं। ठीक है, तीनों तीन दृष्टिकोण हैं हमारे जो इस चैप्टर के अंदर में, वो दृष्टिकोण से रिलेटेड ये चैप्टर बनते हैं, इसमें क्वेश्चन बनते हैं। वो क्वेश्चन किस तरह से होते हैं फ्रेंड्स वो देखते हैं। पहला अगर क्वेश्चन हम देखते हैं तो यथार्थवाद वाला जो आपने किया था क्वेश्चन, यथार्थवाद के ऊपर बनता है। दूसरा अगर बनता है तो आदर्शवाद के ऊपर बनता है। तीसरा अगर बनने के चांसेस होते हैं फ्रेंड्स तो नव उदारवाद पर बनता है। ठीक है, नव यथार्थवाद पे बनता है। ठीक है, इसमें पहले चैप्टर में तीन क्वेश्चन बनने की संभावना होती है, तीन में से कोई एक क्वेश्चन डेफिनेटली आता ही आता है। ठीक है, अगर सेम फ्रेंड्स अगर मैं दूसरे लेसन की बात करूँ जो यहाँ पर शीत युद्ध और शीतोत्तर काल दे रखा है, अगर इस फ्रेंड्स के इसमें भी क्वेश्चन की बात करूँ तो इसमें मेनली फ्रेंड्स दो से तीन क्वेश्चन बनने की संभावना होती है, दो से तीन क्वेश्चन आता है इस वाले चैप्टर में भी शीत युद्ध वाले में। तो सबसे पहले फ्रेंड्स वो आगे मैं आपको सब एक एक चीज़ें समझाने वाला हूँ कि किसमें किस तरह का क्वेश्चन बने, मतलब क्या किस तरह से लिखना है, कैसे करना है। बट अभी हम सिर्फ क्वेश्चनों को देखते हैं किसमें क्या क्वेश्चन बनता है। शीत युद्ध वाले चैप्टर में शीत युद्ध से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है कि शीत युद्ध के कारण क्या है। ठीक है, कारण क्या है होने के, शीत युद्ध होने के कारण क्या है। ठीक है, परिणाम क्या है। ठीक है, परिणाम ये, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या भागीदारी थी, किस तरह का क्या रहा, ये सब हम देखते हैं इसके अंदर। मतलब कारण परिणाम को ही लेकर दिखाया था कि कारण क्या था, परिणाम क्या था, अंतर्राष्ट्रीय पर प्रभाव क्या था। ठीक है, प्रभाव ये करके मतलब तीन क्वेश्चन बनने के कारण उसमें संभावना होता है, एक परिणाम के ऊपर, कारण के ऊपर, परिणाम कारण और प्रभाव के ऊपर, कि शीत युद्ध का क्या प्रभाव पड़ा, मतलब भारत जैसे देशों पे या फिर जो विकासशील देश थे उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा शीत युद्ध का, शीत युद्ध होने के क्या कारण थे या शीत युद्ध के क्या परिणाम निकले। ठीक है, तो ये तीन क्वेश्चन इस सेकंड चैप्टर में बनता है आपके पॉलिटिकल साइंस के, इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर में ये चैप्टर क्वेश्चन बनते हैं फ्रेंड्स। अगर आप तीसरे यूनिट के ऊपर जाते हो जो भारत की विदेश नीति वाला चैप्टर है, ठीक है, भारत की विदेश नीति, भारत की विदेश नीति के अंदर बात करते हो तो जो नाम करके ना जो एक मतलब नाम या नाम कर लो मतलब जो ये करके था ना गुट निरपेक्ष आंदोलन, ठीक है, जिसे NAN भी कहते हैं और NAM भी कहते हैं नाम, तो ये मतलब ये गुट निरपेक्ष आंदोलन वाले की चैप्टर के ऊपर से बेस्ड में एक क्वेश्चन बनने की संभावना होती है, एक से दो क्वेश्चन बनता है जिसमें पूछा जाता है क्वेश्चन कि भारत की विदेश नीति क्या है। ठीक है, भारत की विदेश नीति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की विदेश नीति क्या है, या फिर भारत के मतलब जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गुट निरपेक्ष आंदोलन द्वारा भारत ने क्या प्रभाव पड़ा या क्या है, किस तरह से इसमें गुट निरपेक्ष आंदोलन से क्वेश्चन बनता ही बनता है, नहीं तो भारत की विदेश नीति के ऊपर बनता है। तो दो क्वेश्चन इसमें भी बन जाते हैं फ्रेंड, दो क्वेश्चन हो जाते हैं इसमें, एक गुट निरपेक्ष आंदोलन वाला और एक भारत की विदेश नीति के ऊपर कि भारत ने किस तरह की विदेश नीति अपनाई है। अगर कोई भी दोनों क्वेश्चन आता है तो दोनों में आंसर एक ही लिखा जाता है, गुट निरपेक्ष आंदोलन का, क्योंकि भारत का जो नीति है विदेश नीति गुट निरपेक्ष आंदोलन की है, बस क्वेश्चन को घुमा के पूछा जाता है। ठीक है, ये अगर फ्रेंड्स अगर मैं चौथे यूनिट की ओर जाता हूँ जो चैप्टर का नाम हमारे वैश्वीकरण है चौथे यूनिट का, तो वैश्वीकरण के अंदर में नॉर्मली फ्रेंड्स हम इसके अंदर में बात क्या करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वैश्वीकरण के क्या कारण थे। ठीक है, कारण क्या थे अपनाने के वैश्वीकरण को, परिणाम क्या था, ठीक है, परिणाम क्या था वैश्वीकरण के अपनाने के, और प्रभाव क्या था, वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन करके बनता है, तीन क्वेश्चन इसके अंदर बनते हैं फ्रेंड्स, इसमें भी तीन क्वेश्चन, प्रभाव, कारण और परिणाम, कि वैश्वीकरण के क्या कारण था, क्या प्रभाव था, क्या स्वरूप था, इस तरह से करके तीन क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, जो मैं आगे आपको समझाने वाला हूँ, और वीडियो सबकी पर्टिकुलर चैप्टर्स की सबकी वीडियो डली हुई है तो आप वहाँ से देखकर समझ सकते हो अच्छे तरीके से, बट इसके अंदर मैं सिर्फ मैं क्वेश्चंस और इसके किस तरह से बनते हैं वो किस क्या लिख सकते हो उसके अंदर में वो, और मेनली फ्रेंड्स इनमें अगर इन चैप्टर को कर लेते हो तो आई होप सो कि इसमें से चार से पाँच क्वेश्चन तो डेफिनेटली आपके सोल के एग्जाम में आने हैं और बुक में से बाहर का तो नहीं आने वाला है। ठीक है, तो आप कर पाओगे जो मैं क्वेश्चन बताने वाला हूँ, उनमें से चार पाँच क्वेश्चन तो पक्का आ जाएगा, आई होप सो। आगे करते हैं फ्रेंड्स, अगर हम आगे बात करते हैं फ्रेंड्स तो आगे और चार चैप्टर्स हैं, चार हमने कर लिया, उसके बाद की अगर बात करते हैं तो एक चैप्टर आता है आपका संयुक्त राष्ट्र और राजनीतिक शक्ति और दुर्बलता। तो इसमें पहला क्वेश्चन अगर बनता है तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थिति क्या है, मतलब किस तरह से उसकी भागीदारी क्या है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, भागीदारी मतलब वो किस तरह से ना अपना रोल, उसका रोल क्या है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, रोल क्या है, क्या रोल प्ले करता है, वो उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आ जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त राष्ट्र संघ की क्या रोल है, मतलब क्या भागीदारी प्ले होता है। ठीक है, उसकी दुर्बलता क्या है, इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन बनता है, और उसकी शक्तियों के ऊपर तो नहीं मतलब उसकी सफलताओं के ऊपर आता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की क्या सफलताएं थी, विफलता, सफलता है, मतलब असफलता और सफलता, इस तरह करके दो क्वेश्चन बन जाता है, मतलब कमियां क्या है।
संयुक्त राष्ट्र संघ में किस तरह की कमियां हैं और किस तरह की कमियां नहीं है वो करके, ठीक है। इनके सदस्य मतलब इनके ना अंगों के ऊपर भी क्वेश्चन बनता है, अंग के ऊपर, कि संयुक्त राष्ट्र संघ के कौन कौन से अंग है, मतलब कौन कौन से क्या है, प्रक्रिया किस तरह से, जैसे सुरक्षा परिषद, ठीक है, साधारण सभा, आम सभा, जो मतलब इस तरह के जो चीज़ें है ना, ठीक है, तो ये मंत्रिपरिषद, ये सब जो मतलब अलग अलग जो हैंगे इसके अंग है, कार्यसभा जो अंग है, तो ये सब सारी चीज़ें इनके ऊपर भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है। और सुरक्षा परिषद की ना संयुक्त राष्ट्र संघ की आज जरूरत क्यों है, मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त राष्ट्र संघ की जरूरत क्यों पड़ी, ठीक है, क्या कारण है कि हमें संयुक्त राष्ट्र संघ बनाना पड़ा। तो इसमें 3 से 4 क्वेश्चन इसमें बनने की संभावना होती है, 3-4 में से 1 क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो ये बनता है चैप्टर में। अगर इसके बाद अगला चैप्टर की अगर बात करते हो फ्रेंड्स, इसमें अगला चैप्टर जो आपका आएगा वो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के और नारीवाद परिपेक्ष्य, मतलब नारीवाद से लेके ना एक क्वेश्चन बनता है, जिसके अंदर में आप जे एन टिकनर के बारे में आप बात करोगे। टिकनर करके एक विचारक थे, उनके बारे में हम बात करेंगे कि टिकनर ने किस तरह का विचारधारा दिया, ठीक है। टिकनर को रिलेटेड हम इसके अंदर बात करने वाले हैं, टिकनर से रिलेटेड कि टिकनर ने किस तरह का विचारधारा दिया, ठीक है, टिकनर को, और नारीवाद के क्या प्रभाव पड़ा, नारीवाद के क्या कारण थे, पर नारीवाद होने का क्या कारण था, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नारीवाद का क्या स्वरूप है, इस तरह करके इसमें भी 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नारीवाद का क्या स्वरूप, नारीवाद का क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है, भारत जैसे देशों में नारीवाद का क्या परिप्रेक्ष्य है, मतलब भारत के संदर्भ में भी कई बार पूछ लिया जाता है। तो इस तरह से इसमें भी 3 क्वेश्चन बनने की संभावना है। अगर आप तीसरे चैप्टर की ओर मूव करते हो, जो वैश्विक वैश्विक पर्यावरण मुद्दे हैं, तो फ्रेंड्स आजकल जो पर्यावरण से रिलेटेड कोई भी चैप्टर है तो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर में से एक है, क्योंकि आप जैसे दिल्ली में रह रहे हो तो जानते हो आपकी कितनी ज्यादा पोल्यूटेड सिटी हैगा, ठीक है। तो इसके कारण से ना पर्यावरण वाले मुद्दे करंट में रहते हैं हमेशा, मतलब लाइमलाइट में रहते हैं, मतलब रहते हैं हाईलाइट में रहते हैं। तो इस तरह के टॉपिक को ना हमें कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए और उसको हमेशा फोकस करना चाहिए, ठीक है। तो वैश्वीकरण के पर्यावरण मुद्दे ये वाले आ सकते हैं, जिसके अंदर में क्वेश्चन क्या बनेगा कि आज के समय पर्यावरण मतलब कौन से मुद्दे हैं जो आज के लिए मतलब करंट टाइम में वैश्विक पर्यावरण के कौन कौन से मुद्दे हैं जिस पर हमें वर्क करना चाहिए, कौन कौन से मुद्दे जो अभी मतलब करंट में है, ठीक है, चाहे ग्लोबल वार्मिंग हो, चाहे प्रदूषण हो, चाहे जो भी चीज़ें हैं, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जो भी है, वो सारा चीज़ इसके अंदर में हम बताते हैं, ठीक है। इसके अंदर में क्वेश्चन ये बन जाता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वैश्वीकरण मतलब उनको किस तरह से मतलब रोका जा सकता है, क्या कदम उठाए गए हैं, मतलब पर्यावरण को सुधारने के लिए, उसको सही करने के लिए किस तरह से क्या कदम उठाए हैं, कदम, ठीक है, कौन से स्टेप उठाए गए हैं वो भी आ जाता है, ठीक है, कदम कौन कौन से उठाए गए हैं, ठीक है, वैश्विक पर्यावरण को करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, कि उसमें कोई इफेक्ट ना पड़े, ठीक है, ये बन जाता है क्वेश्चन। और अगर फ्रेंड्स इसके अंदर में लास्ट चैप्टर की अगर बात करते हो तो अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, तो इसमें जैसे कि आप जानते हो फ्रेंड्स अभी हमारे भारत में पुलवामा अटैक हुआ, ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ना आतंकवाद से झेल मतलब आतंकवाद से लड़ने के लिए कौन कौन से स्टेप उठाए जा रहे हैं, क्या किए जा रहे हैं, ठीक है, भारत को आतंकवाद के संपर्क में भारत का रोल क्या है, भारत के ऊपर प्रभाव क्या पड़ता है आतंकवाद का, किस तरह का रोल है, जैसे भारत भी एक बहुत बड़ा आतंकवाद ग्रसित देश में से एक है, ठीक है, जिसमें भारत के ऊपर कई बार आतंकवादी हमले हुए हैं, चाहे 26/11 का हो, चाहे पुलवामा हो, चाहे पठानकोट हो, चाहे दिल्ली का हमला हो, ठीक है, तो इस तरह के कई बार हमले होते रहे तो भारत का भी इसमें पूछा जाता है, या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद को रोकने के लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं, क्या तरह के आतंकवाद का क्या स्वरूप है, इस तरह का मतलब आता है, आतंकवाद के कारण क्या प्रभाव क्या है, किस तरह से रोका जा सकता है, ये सब भी करके क्वेश्चन कुछ बन जाते हैं इसमें से। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर में से एक है फ्रेंड्स, ठीक है। अब फ्रेंड्स हम इसके ना एक एक चैप्टर करके करते हैं, एक एक चैप्टर की कौन कौन सा चैप्टर इसमें इंपॉर्टेंट है और किस तरह से जरूरी है, ठीक है। जैसे कि फ्रेंड्स ये आपका पहला चैप्टर है जिसका चैप्टर का नाम ही है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के उपागम। अगर हम इस चैप्टर के बारे में बात करते हैं फ्रेंड्स तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के उपागम, तो इसके अंदर में नॉर्मली हम 3 विचारधारा के ऊपर में बात करते हैं। सबसे पहला आता है यथार्थवाद, ठीक है, पहला आता है यथार्थवाद। दूसरा अगर हम बात करते हैं तो ये आदर्शवाद, ठीक है। तीसरा अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स तो आता है नव यथार्थवाद, ठीक है। तीन विचारधारा हुआ फ्रेंड्स, जिसमें हमारा पहला आ जाता है यथार्थवाद। यथार्थवाद का ना जो सबसे विचारक के तौर पर माना जाता है वो हंस मॉर्गेनथाउ, जो यहाँ पे नाम भी दे रखा है, हंस मॉर्गेनथाउ को माना जाता है यथार्थवाद के विचारक, जिनकी, और हंस मॉर्गेनथाउ मतलब ये नहीं कि हंस मॉर्गेनथाउ ने आके रोड पे चिल्ला चिल्ला के बोला कि यथार्थवाद ऐसा ऐसा ऐसा, कुछ नहीं, उन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम है पॉलिटिक्स अमंग नेशन, जो 1948 में लिखी गई, ठीक है। उस बुक के थ्रू जो उनकी विचारधारा जो उन बुक में व्यक्त की उसके थ्रू पता चला यथार्थवाद ऐसा होता है,
ठीक है, यथार्थवाद होता क्या है? तो यथार्थवाद लोग ना नॉर्मली, यथार्थवाद जो जिनकी विचारधारा थी वो मानवीय स्वभाव को दिखाते, कि मानवीय स्वभाव क्या है, वो स्वार्थी स्वभाव का व्यक्ति है, और व्यक्ति जो स्वार्थी होने के कारण क्या करेगा, वो हमेशा अपने स्वार्थ के लिए लड़ेगा। ठीक है, मानव का स्वभाव कैसा है, वो लड़ाकू स्वभाव का व्यक्ति है, लड़ता है, युद्ध का मतलब उन्होंने युद्ध को सही बताया, जो भी युद्ध होते हैं उनको एकदम सही बताया कि करेक्ट भाई, युद्ध तो होता ही होता है, होगा ही होगा। ठीक है, तो उन्होंने युद्ध को सही बताया। सेम आदर्शवाद के ऊपर आते हो, तो आदर्शवाद का क्या मानना था कि युद्ध भाई गलत है, युद्ध नहीं होना चाहिए, युद्ध जैसी चीजें गलत होती हैं और ये बेकार है। ठीक है, उन्होंने नैतिक आदर्शवाद ने, यथार्थवाद ने अनैतिकता पे जोर दिया, कि नैतिक के ऊपर अगर चलोगे ना आप, अगर अच्छे काम के ऊपर चलोगे कि यार नहीं मैं नहीं मारूंगा उसे, तो आप वेट करो कि मैं नहीं मारूंगा, वो ऐसा गलत है, ये है वो है, अगर उसको कुछ बोला या मारा तो गलत हो जाएगा, तो आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते, ऐसा माना यथार्थवाद ने। उन्होंने अनैतिकता पे जोर दिया। सेम उसका उल्टा आदर्शवाद ने क्या किया, नैतिक पे जोर दिया, मतलब संस्कार और मान मर्यादा इन सब चीजों पे जोर दिया। जैसे आपने गांधी जी की मूवी देखी होगी ना, एक गाल पे मारे तो दूसरा दे देना चाहिए, तो इस तरह से कुछ आदर्शवाद का वो था। और यथार्थवाद का क्या था कि अगर आप किसी ने आपको एक गाल पे मारा, तो अगर आप वेट करोगे तो दूसरे गाल पे ही पड़ेगा, तो आप उसको एक दूसरा लगा दो, कुछ इस तरह की थी विचारधारा। ठीक है, आप मतलब उससे मूवी से समझ कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो, याद रखने के लिए ये हिंट है कि इस तरह से आप याद रख सकते हो कि क्या विचारधारा कहती है। यथार्थवाद में युद्ध को समर्थन करता है, आदर्शवाद युद्ध को समर्थन नहीं करता है। और नव उदारवाद, जो नव यथार्थवाद है, नव यथार्थवाद, उसके फ्रेंड्स यथार्थवाद का ना अपडेटेड वर्जन है, समझ लो नया दूसरा उसी का रूप है। ठीक है, पुनर्जीवित किया गया। नव उदारवाद का जो विचारधारा है वो वोल्ट्स के द्वारा दिया गया, वोल्ट्स, ठीक है, कैथन वोल्ट्स के द्वारा दिया गया। इसके अंदर में क्या कहा गया कि भाई मानव स्वभाव मानता हूं मैं कि वो स्वार्थी है, बट हमें एक राज्य के स्वरूप को सोचना चाहिए, और हमें राज्य के स्वरूप सोचने के लिए मानव स्वभाव की जरूरत नहीं है, वो राज्य की एक किसी देश या किसी राज्य की अखंडता पर जोर देते हैं, एकता पर जोर देते हैं, और उसकी महत्व को ज्यादा दिखाते हैं, उसकी शक्ति और उसकी प्रभाव को ज्यादा वो महत्व देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से तीन विचारधारा है। इसके अंदर में अगर आपका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, अगर जो नॉर्मली कई बार से रिपीट हो रहा है, तो हंस मॉर्गन थाउ की विचारधारा पे आता है, जिसमें ना छह प्रिंसिपल जो हंस मॉर्गन थाउ ने दिए थे कि किस तरह से क्या उनके छह विचारधारा थी कि किस किस तरह से क्या होता है। ठीक है, राज्य के स्वरूप के लिए कि राज्य कितना इंपॉर्टेंट है, राज्य का कोई परिभाषा नहीं होती, ये नहीं होता, वो नहीं, तो जो भी छह जो दिए थे ना, मैंने आपकी इसकी प्रॉपर एक स्पेशल वीडियो हंस मॉर्गन थाउ के ऊपर में, तो आप उसको देखकर कर सकते हो। ठीक है, इसका जो दूसरा क्वेश्चन बनता है फ्रेंड्स, यथार्थ और नव उदारवाद से बनता है कि दोनों में तुलनात्मक वो करो। ठीक है, तो वो आलोचनात्मक तुलनात्मक कहा जाता है, तो इसका भी आपका वीडियो पर प्रॉपर बनी हुई, तो आप उसको कर सकते हो फ्रेंड्स। तो ये वाला पहला चैप्टर आपका ये था, ठीक है, जिसमें इस तरह के क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड्स, और सबकी प्रॉपर वीडियो, तो आप वहाँ से देख के इजीली आप समझ सकते हो। ठीक है, और ये जो ये वीडियो बनाने का मेन मोटिव मेरा है फ्रेंड्स, कि अभी बहुत सारे बच्चे जिनके पास टाइम नहीं है कि वो सारी वीडियो देख सकें, तो इस वीडियो से आपको एक आइडिया हिंट मिल जाएगा कि अच्छा मुझे सिर्फ इन्हीं क्वेश्चनों को पढ़ना है। ठीक है, जिसके बेस पर आप कुछ मार्क्स गेन कर पाओगे। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट चैप्टर की अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट चैप्टर आपका सेकेंड चैप्टर है आपका शीत युद्ध शीतोत्तर काल के बारे में, कि शीत युद्ध है क्या। ठीक है, तो सबसे पहले फ्रेंड्स इसके अंदर अगर मैं बात करूँ, तो सबसे पहला अगर क्वेश्चन बनता भी इसके अंदर में, तो शीत युद्ध के कारण, ठीक है, कारण क्या है शीत युद्ध के, परिणाम क्या है शीत युद्ध के, ठीक है, परिणाम मतलब किस तरह का परिणाम था, ठीक है, उसके बाद में प्रभाव। ठीक है, ये तीन क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं शीत युद्ध में, भाई कारण, परिणाम, प्रभाव। शीत युद्ध के क्या कारण था, परिणाम क्या था, प्रभाव क्या था, ये तीन क्वेश्चन बनते हैं, जो मैं भी थोड़ा सा बता देता हूँ हिंट आपके, तो हिंट के तौर पे। ठीक है, अगर आप बात करते हो शीत युद्ध की फ्रेंड, तो शीत युद्ध में नॉर्मली शीत युद्ध होता क्या है, शीत युद्ध ऐसा बिल्कुल भी नहीं यार कि जो ठंड या फिर विंटर में लड़ा गया उसे शीत युद्ध कहे। ठीक है, नॉर्मल शीत युद्ध मतलब ना दो या दो से अधिक देशों के बीच में लड़ा जाने वाला युद्ध, पर नॉट रक्त रंजिश युद्ध नहीं, मतलब रक्त रंजिश में खून का कोई यूज ना हुआ, खून से नहीं लड़ा गया, मतलब बिना रक्त रंजिश के लड़ा गया युद्ध, मस्तिष्क से लड़ा गया युद्ध शीत युद्ध कहलाता है, जिसमें सिर्फ तनावपूर्ण स्थिति हो पर युद्ध ना हो। ठीक है, तनावपूर्ण स्थिति तो बने पर युद्ध ना हो, ये शीत युद्ध कहलाता है भाई, सीधा सीधा। अगर इसके कारण की बात करो, शीत युद्ध होने का कारण क्या था, तो अगर कारण सबसे बड़ा बनता है भाई शीत युद्ध होने का, द्वितीय विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध, जो प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध हुए वो शीत युद्ध का जन्म देती है, हथियारों का होड़, जो लोग हथियारों की होड़ में लग गए वो, दो ध्रुविता, जो मतलब ना जो देश था ना सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ना दो पार्टों में बट गया, जो विश्व था वो दो पार्टों में बट गया, एक तरफ अमेरिका दूसरी तरफ रशिया, तो ये दो जो चीज़ें थी ना वो भी शीत युद्ध होने का कारण बनती है।
वर्साय संधि, जो वर्साय संधि हुई वो भी शीत युद्ध का कारण बनती है, ठीक है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर तो आप बन ही चुकी थी, मैं बता चुका पहले ही, ठीक है। इस तरह से ये कारण बनते हैं शीत युद्ध के, ठीक है। विचारधारा भी एक बहुत बड़ा कारण के तौर पर देखा गया शीत युद्ध का, जिसमें पूंजीवादी और समाजवादी विचारधारा थी, विचारधारा की लड़ाई लड़ी जा रही थी, ठीक है। सैन्यवाद का प्रसार, भाई सैन्यवाद के लिए भी मतलब ये सैन्यवाद के कारण भी जो सब जो जो भी देश थे ना वो सारे सैन्यवाद के प्रचार प्रसार में लगे थे। विस्तारवाद की नीति, ठीक है, विस्तारवाद या साम्राज्यवाद की नीति भी थी, उसके कारण से भी ये शीत युद्ध होने का कारण बनता है, ठीक है। ये समझ में आता है फ्रेंड्स इसके कारण। अगर इसके परिणाम के बारे में बात करते हो कि इसका परिणाम क्या है शीत युद्ध के, ठीक है, तो परिणाम की अगर बात करते हो तो परिणाम का नॉर्मली आता है क्या क्या होता है भाई, दो ध्रुवता का अंत हो जाता है, ठीक है। दो ध्रुवता का अंत होता है, मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, मतलब ना बर्लिन की दीवार गिरती है, ठीक है, जर्मनी में एकीकरण होता है, जर्मनी का एकीकरण, ठीक है। ये अंतर्राष्ट्रीय पे मतलब ना पूंजी मतलब सभी देशों पे मतलब जैसे शीत युद्ध का अंत होता है उस पर जो छोटे विकासशील देश होते हैं उनके ऊपर प्रभाव पड़ता है, ठीक है, और औद्योगिकरण की ना नए दौर का शुरुआत होता है। ये सब मतलब ये परिणाम के तौर पे देखा गया शीत युद्ध के क्या परिणाम निकले, क्योंकि उसके रिजल्ट शीत युद्ध खत्म होने के बाद क्या रिजल्ट निकला, ठीक है। शीत युद्ध का जो खत्म होने का काल था 1991 माना जाता है, जब बर्लिन की दीवार को गिरा दी गई थी, ठीक है, जर्मनी के अंदर में जो बर्लिन की दीवार थी वो गिरा दी गई, उसके बाद वो माना जाता है, ठीक है। तो इस तरह से वाला परिणाम वाला क्वेश्चन हो सकता है, परिणाम और प्रभाव ये दोनों मतलब लगभग एक ही तरह से, प्रभाव भी यही और परिणाम भी यही, मतलब दोनों सेम ही है लगभग, ये क्वेश्चन होता है, ठीक है। सेकंड चैप्टर फ्रेंड्स ये था, इसके बाद हम अगले चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। तो अगला चैप्टर आता है भारत की विदेश नीति। अगर हम फ्रेंड्स भारत की विदेश नीति के अंदर बात करते हैं तो इसके अंदर में एक क्वेश्चन बनता है पर उसको दो तरीके से पूछा जाता है, एक क्वेश्चन बनता है उसको दो तरीके से पूछा जाता है कि भारत की विदेश नीति क्या है। तो जैसे कि पता है हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ, तो आज़ाद होने के बाद ही हमारे भारत ने मतलब भारत के सामने दो रास्ते थे, इंडिया के सामने हमारे पास दो रास्ते थे, या फिर हम समाजवादी व्यवस्था को मान लें, पूंजीवादी व्यवस्था को मान लें, ठीक है। तो हमने समाजवादी व्यवस्था के अंदर में जो हमारे देश की जो विचारधारा थी या जो रहने वाले लोग थे, वो बहुत सारे लोग समाजवादी व्यवस्था को समर्थन कर रहे थे और बहुत सारे लोग पूंजीवादी व्यवस्था को समर्थन कर रहे थे। तो हमारे देश ने इन दोनों को नकारते हुए हमारे देश ने क्या किया, तीसरा रास्ता अपनाया जो कहलाता है, तीसरा रास्ता हमारा मिश्रित अर्थव्यवस्था की ओर जाता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था, ठीक है। मिश्रित मतलब ना इन दोनों दोनों व्यवस्था को दोनों अर्थव्यवस्था को नकारते हुए ना पूंजीवादी व्यवस्था का साथ दिया इसने ना समाज वादी मिश्रितवादी, जिसके अंदर में दोनों का मेल जोल देखा गया और उस वाले को अपनाता है। तो हमारे विदेश भारत की मतलब ये आर्थिक मतलब ये नीति थी, हमारी घरेलू नीति थी, उसी के तौर पे भारत के अंतरराष्ट्रीय स्तर पे भी यही चीजें थी कि दो दो ध्रुव में बढ़ चुका था पूरा विश्व, जिसमें अमेरिका और रसिया थी। तो भारत किस गुट से मिले, अमेरिका से मिले या रसिया से मिले? तो भारत ने सोचा कि यार युद्ध जैसी स्थिति ना फ्यूचर में बने और ना हो ये सब चीज़ें, और अपनी स्वतंत्रता को, क्योंकि अभी नए नए आज़ाद हुए थे देश, भारत जो था 1947 में आज़ाद हुआ और 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ था, ठीक है, 1945 में खत्म हुआ। तो वो सोच रहा था कि अगर मैं मान लो अमेरिका से चला जाऊँ और युद्ध हुआ हार गई अमेरिका, फिर मैं गुलाम बन जाऊंगा और रसिया के साथ गया युद्ध हार गया, तो ये तरह की चीजें थी। तो भारत ने क्या किया वहां पे, गुटनिरपेक्ष नीति अपनाया, यहाँ पे गुटनिरपेक्ष नीति अपनाता है, गुटनिरपेक्ष, ठीक है, जिसके गुटनिरपेक्ष नीति के अपनाता है जो हमारा भारत की विदेश नीति होता है, ठीक है। ये तो ये पहला क्वेश्चन थे गुटनिरपेक्ष नीति के मतलब भारत की विदेश नीति के ऊपर बनता है। दूसरा क्वेश्चन बनता है गुटनिरपेक्ष आंदोलन है क्या, गुटनिरपेक्ष आंदोलन है क्या, गुटनिरपेक्ष नीति है क्या, ठीक है, ये करके क्वेश्चन बनता है। और दोनों क्वेश्चनों का लगभग फ्रेंड्स आपको आंसर सेम ही लिखना है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन जो हुआ वो नॉर्मली फ्रेंड्स पांच जो देश थे, जो पांच देश थे भारत के सहयोगी पांच देश, चाहे यूगोस्लाविया हो, ये सब चीज जो पांच देश थे ना, घाना, यूगोस्लाविया, ये सब पांच देश, इनके जो प्रधानमंत्री थे मिलकर उन्होंने क्या किया, गुटनिरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत किया, जिसमें हमारे भारत के जवाहरलाल नेहरू भी थे, उनके द्वारा शुरुआत किया गया, स्टार्ट किया गया गुटनिरपेक्ष आंदोलन, जिसके अंदर मेनली रीजन क्या दिया गया कि भाई हम नव स्वतंत्र देश है, मतलब अभी भी आजाद हुए देश है, और अगर मान लो हम किसी देश के साथ मिलते हैं तो हमारे लिए नुकसान ही होगा कि अगर वो देश हार गया युद्ध में, अगर युद्ध जैसी संभावना हुई तो हम अपनी स्वतंत्रता को कायम नहीं रख पाएंगे, और हमें भाई विकास करना है, हमें अपनी स्थिति को सुधारना है, तो उसके लिए हमें कुछ नया करना पड़ेगा। तो उन्होंने गुटनिरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत करते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसके बारे में हम बात करते हैं, गुटनिरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत करने का कारण क्या था, क्यों पर किया गया, तो भाई अपनी शांति मतलब अपनी विश्व में शांति कायम करना, ठीक है, किसी की तरफ से ना बोलकर मतलब विश्व में शांति की भागीदारी करना, ठीक है, आतंकवाद से लड़ना, व्यापार विकसित करना, औद्योगिकरण की स्थापना करना, ठीक है, युद्ध जैसी स्थिति में ना मतलब बातचीत के जरिए सुलझाना, अपनी स्वतंत्रता को कायम रखना, ठीक है, इस तरह से अर्थव्यवस्था को मजबूत करना, ठीक है, बेरोजगारी और वो बेरोजगारी शिक्षा संपूर्ण देश बनाना, ठीक है, बेरोजगारी को दूर करना, ये सब तरह की चीजें इसके अंदर में देखी गई गुटनिरपेक्ष आंदोलन में।
फ्रेंड्स आपको समझ में आ रहा है ना? अगर समझ में आ रहा है तो फ्रेंड्स यार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड्स को भी बताएं, ठीक है। इस तरह से हमारा ये वाला खत्म हो जाता है चैप्टर, अगला हम चैप्टर की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। अगले अगर चैप्टर की ओर बढ़ते हैं तो अगला चैप्टर आता है हमारा वैश्वीकरण। अगर हम इस चैप्टर की बात करें कि वैश्वीकरण है क्या, सबसे पहले इसमें एक से दो को इसमें भी मतलब दो से तीन क्वेश्चन बन जाता है फ्रेंड्स। जैसे क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं पहले वो मैं बता दूँ, वैश्वीकरण बाद में समझते हैं। वैश्विक क्वेश्चन इसमें क्या बनता है, क्वेश्चन ये बनेगा इसके अंदर में वैश्वीकरण का कारण क्या है, ठीक है। कारण क्या है, प्रभाव क्या है, प्रभाव या परिणाम समझ लो, प्रभाव कारण परिणाम, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वैश्वीकरण की वैश्वीकरण किस तरह से देखा जाता है, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, ठीक है। ये इस तरह से तीन क्वेश्चन इसमें भी बनने की संभावना है, तीन में से एक बन आ जाता है, ठीक है। तो हम इसको क्वेश्चन को करते हैं, और अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा चैप्टर है तो करते हैं, हमें इंपॉर्टेंट भी है। वैश्वीकरण के अंदर में हम नॉर्मल फ्रेंड्स अगर सबसे पहले हम समझे वैश्वीकरण होता क्या है, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मतलब विश्व का एकीकरण, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व का एकीकरण होना वैश्वीकरण कहलाता है। मतलब एकीकरण होता क्या है, मतलब सारा जो विश्व, जैसे मान लो भारत, पाकिस्तान, चीन, अमेरिका, रसिया, ये अब एक दूसरे से सारे क्या कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, किसी ना किसी तरीके से एक दूसरे से व्यापार कर रहे हैं। अमेरिका इधर से, इधर इससे, इधर इससे, मतलब सारे एक दूसरे से किसी ना किसी तरीके से व्यापार कर रहे हैं भाई, किसी ना किसी तरीके से व्यापार कर रहे हैं। तो ये जो सारा व्यापार का सिस्टम हुआ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, तो इसके अंदर में क्या हुआ, वैश्वीकरण को बढ़ावा देते हैं, वैश्वीकरण कहलाता है, जो विश्व का एकीकरण। अब सब एक दूसरे से जुड़े हुए ना किसी ना किसी तरीके से, तो विश्व का एकीकरण हुआ, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स आपका वैश्वीकरण कहलाता है, मतलब विश्व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व का एकीकरण होना वैश्वीकरण कहलाता है, या विश्व को एक ग्राम में चेंज हो जाना, ग्राम में बदल जाना, मतलब एक गांव की तरह हो जाना कि पूरा विश्व क्या एक गांव है, गांव में आप कहीं भी यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ, यहाँ से यहाँ, वहाँ कहीं भी जा सकते हो, दैट इज़ वैश्वीकरण, ठीक है। समझ में आता है फ्रेंड्स, वैश्वीकरण का भाई परिणाम या प्रभाव क्या निकला या कारण क्या था वैश्वीकरण शुरू करने का। तो नॉर्मली यार अगर कारण की बात करते हैं तो वैश्वीकरण का मेन कारण क्या था कि बेरोजगारी जैसी अवस्था को दूर करना, ठीक है, आर्थिक स्थिति को मजबूत करना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ना जो देश कमज़ोर थे, आर्थिक रूप से कमज़ोर थे, उनको सही करना, उनकी स्थिति में सुधार लाना, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुधार लाना है। और इसके अंदर में क्या होता है, व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार स्थापित करना, मुक्त द्वार की नीति अपनाना, ठीक है, ओपन डोर की नीति, ये सारा की चीज़ें इसमें परिणाम और मतलब कारण बता सकते हैं कि क्यों अपनाया गया वैश्वीकरण, कारण क्या था वैश्वीकरण को अपनाने का। वैश्वीकरण के अगर प्रभाव के बारे में बात करते हो फ्रेंड्स, वो वैश्वीकरण के प्रभाव के बारे में बात करते हो तो इसके अंदर में प्रभाव के अंदर में क्या आएगा, अगर हम इसके प्रभाव के बारे में बात करते हैं, वैश्वीकरण के प्रभाव क्या थे वैश्वीकरण के, तो इसके अंदर में फ्रेंड्स हम बात करेंगे कि दो देशों पे क्या असर पड़ा, जिस जो हमने कारण बताया ना कि बेरोजगारी को दूर करने के लिए, तो सेम इसमें हम क्या बताएंगे, बेरोजगारी दूर हुई भाई, ठीक है, भले दूर हुई हो ना हुई हो बात अलग है। अब जैसे कि हमारे भारत में क्या था, राहुल गांधी कह रहे कि बेरोजगारी दूर नहीं हुई, तो हो सकता है भाई दूर ना हुई हो। तो वैश्वीकरण के प्रभाव में यहाँ पे हम क्या परिणाम क्या बताएंगे कि भाई बेरोजगारी दूर हुई, मतलब आर्थिक अर्थव्यवस्था में मजबूती आई। भारत का एक ऐसा समय था 1991 में जब हमारे भारत ना विश्व आर्थिक मंदी से झेल रहा था, ठीक है, हमारे भारत की स्थिति इतनी बेकार थी कि हमें दूसरे देशों से कर्जा लेना पड़ा था, हमारे पास इतना ही पैसा या फिर हमारे पास इतना ही सोना था कि हम भारत को 6 महीने तक चला सकें, उसके बाद भारत के पास कुछ नहीं बचता। तो विश्व वैश्वीकरण के कारण हमारे देश की विकास हो रही थी, ये मान सकते हैं, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूती करना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मदद करना, शांति स्थापित करना, ठीक है, संस्कृति की ये परिवर्तन, ये सब तरह के ये चीज़ें प्रभाव, अगर इसके प्रभाव के बारे में बात करोगे ना, प्रभाव की वैश्वीकरण का क्या प्रभाव निकला, प्रभाव क्या पड़ा, तो प्रभाव के अंदर में इसमें दिखाया जाएगा भाई सांस्कृतिक परिवर्तन आया, राजनीतिक परिवर्तन आया, ठीक है। और फ्रेंड्स ग्लोबलाइजेशन का भी पहले एग्जाम भी हुआ है, तो अगर जिसने दिया होगा तो उसको कोई दिक्कत नहीं होगा इस वाले चैप्टर के अंदर में क्वेश्चन करने में, तो आपको इजीली आप अटेम्प्ट कर सकते हो इस वाले चैप्टर के अंदर में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बनता है, समझ में आया फ्रेंड्स, अगर समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, फटाफट लाइक कर लेना, फटाफट अगर समझ में आ रहा है तो फटाफट कमेंट करके बताओ, लाइक करो फ्रेंड्स। अगर अगले चैप्टर की ओर हम मूव करते हैं तो अगला चैप्टर आता है कि संयुक्त राष्ट्र राजनीतिक शक्तियां और दुर्बलता, ठीक है। इसमें भी फ्रेंड्स 2 से 3 क्वेश्चन बनने की संभावना होती है, जैसे कि संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में बात करते हैं, यूएन के बारे में बात करते हैं, यूएन, ठीक है। तो यूएन है क्या, यूएन एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, जिसके अंदर में क्या होता है कि यूएन एक वर्क कर रहा होता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कि किस तरह क्या चीज़ें करना है, क्या नहीं करना है, मतलब सुरक्षा को लेकर, बाकी देशों की स्थिति को लेकर, इस तरह से वर्क करता है, मतलब एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो सभी देशों पर नजर रखता है, एक तरह से इतना मान के चलो। इसमें जो क्वेश्चन बनता है यूएन की शक्तियों के ऊपर या फिर दुर्बलता के ऊपर, क्यों यूएन दुर्बलता क्यों है, मतलब कमजोरियाँ क्या है उसकी, कमियाँ क्या है यूएन में, ठीक है, असफलता क्या है उसकी, असफलता क्या है, इस तरह से क्वेश्चन बनता है फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। ये तो यूएनओ किसके, यूएनओ वाले ही मैं सजेस्ट करूंगा फ्रेंड्स, एक बार आप बुक से स्टडी कर लो जिससे ना आपको पूरी समझ में आ जाए, और या फिर आप वीडियो ऑनलाइन देख लो जिससे आपको पूरी समझ में आ जाए, पहले से वीडियो डली हुई है,
तो आपको दिक्कत नहीं होगा। इसका एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ फ्रेंड, जो इंपॉर्टेंट लगता है मुझे, कि यूएनओ का कारण क्या था, निर्माण करने का कारण क्या था, विश्व स्तर पर शांति स्थापित करना, ठीक है। आर्थिक जो यूरोपीय देश जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो मरे, मतलब आर्थिक रूप से कमजोर देश थे, उनकी हेल्प करना, ये सब कारण था, ठीक है। मतलब शांति स्थापित करना, सैन्य व्यवस्था पर कायम कंट्रोल करना, ठीक है, ये सब तरह इसके कारण देखे गए। अगर इसी का सेम अगर क्वेश्चन बनता है फ्रेंड्स कि यूएनओ के ना मतलब असफलता क्या है, कमियां क्या है, तो ये दुर्बलता क्या है, तो भाई दुर्बलता ये कि ना इसकी खुद की सैन्य व्यवस्था नहीं है, इसकी ये दूसरे देशों पे निर्भर है, सैन्य शक्ति के लिए दूसरे देशों पे निर्भर है। अगर इसके अंदर में और अगर बात करते हो फ्रेंड्स, तो इसके अंदर में अगर और बात करोगे तो इसके अंदर में और क्या आता है कि यूएनओ जैसी संस्था है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वर्क तो करती है, पर ये बहुत सारे देशों पे कंट्रोल नहीं रख पाती, जैसे अमेरिका जैसे देशों पे कंट्रोल नहीं है इसका, ठीक है। अमेरिका चीन जैसे देशों पे कंट्रोल नहीं है, वीटो पावर का गलत यूज़ होता है, ठीक है, गलत यूज़ होता है। इसकी खुद की मतलब ना डिग्निटी नहीं है, मतलब वो उतनी ज़्यादा वो प्रभावशाली नहीं है इसके निर्णय, ठीक है। मतलब अगर किसी देश को कह दिया कि ये नहीं करना है, जैसे अभी उसने तानाशाह किम जोंग, जो कोरिया का तानाशाह है किम जोंग, उनके ऊपर प्रतिबंध लगाए परमाणु हमला परमाणु परीक्षण के लिए, बट वो फिर भी कर रहे हैं, तो इस तरह के क्या मतलब उतना ज़्यादा प्रभावशाली नहीं है, तो ये दुर्बलता दिखाता है इसकी, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन दो बनते हैं इसके अंदर में भी, तो एक बार पढ़ लेना फ्रेंड, तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैं आपका सिर्फ व्यू क्लियर कर रहा हूँ कि क्वेश्चन कौन कौन से इसमें बनते हैं और कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, ठीक है फ्रेंड्स। अगला अगर हम चैप्टर की ओर मूव करते हैं फ्रेंड्स, तो अगला चैप्टर आता है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में नारीवाद का परिप्रेक्ष्य। अगर फ्रेंड्स इसमें हम नारीवाद के बारे में बात करते हैं, नारीवाद के अंदर बात करते हैं, तो जे एन टिकनर, एक टिकनर करके विचारक थे, टिकनर, ठीक है, एक टिकनर करके एक विचारक थे जो नारीवाद के ऊपर में उन्होंने विचारधारा व्यक्त किया, जे एन टिकनर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। इसके अंदर में हम नारीवाद को लेकर हम बात करते हैं, नारी क्या है, तो अगर फ्रेंड्स अगर नारीवाद को लेकर हम बात करते हैं, नारीवाद वाले क्वेश्चन में थोड़ा सही से समझाना चाहूंगा फ्रेंड्स, अगर हम नारीवाद की बात करते हैं, तो नारीवाद को हम मेनली फ्रेंड्स तीन पार्टों में बांट के हम स्टडी करते हैं, नारीवाद का जो तीन पार्टों में। पहला पार्ट का जो शुरुआत होता है वो 19वीं शताब्दी से लेकर 20वीं शताब्दी के बीच का दौर माना जाता है नारीवाद का शुरुआत का। दूसरा जो काल माना जाता है 1960 से लेकर 80 के बीच का, ठीक है, 80 के बीच का। और तीसरा जो काल माना जाता है फ्रेंड्स वो 80 से लेकर अभी तक का सारा जाता है, 1980 से लेकर, ठीक है, अभी तक का, अभी सब अभी जो भी चल रहा है। इस तरह से तीन कालों में हमारा नारीवाद बटा हुआ है। पहले वाले काल में जो हुआ था नारीवाद के अंदर में, जिसके अंदर नॉर्मली फ्रेंड्स नारीवाद ये नहीं कहता कि मुझे ना पुरुषों से ज़्यादा महत्व दो, मतलब मैं ज़्यादा शक्तिशाली दूँ या मुझे ज़्यादा अधिकार चाहिए, ऐसा नहीं कहता नारीवाद। नारीवाद का बस सिंपल सा एक ही मेथड है भाई कि मुझे एक समान अधिकार चाहिए, समान वैल्यू चाहिए। तो नारीवाद जो 19वीं से 20वीं शताब्दी में जो हुआ था उसके अंदर मेन मोटिव मुद्दा क्या था कि भाई मतलब प्रतिसत्तात्मक जो समाज थी वो क्या थी, प्रतिसत्तात्मक थी, पुरुष प्रधान देश था, पुरुष प्रधान समाज था और प्रतिसत्तात्मक था, जिसके अंदर में ना पिता की मृत्यु के बाद जो भी चीज़ होता था उनके लड़के को ही होता था, मतलब लड़कों को ज़्यादा वैल्यू दिया औरतों के मुकाबले, तो इसके खिलाफ वो लड़ा गया, ठीक है, हमें भी समान अधिकार चाहिए, हमें भी उसके ऊपर राइट्स चाहिए, तो इस तरह की चीज़ें थी, ठीक है, 19वीं से 20वीं शताब्दी के बीच में। इसमें शुरुआती तौर में ना ये वोटिंग के लिए भी था, मताधिकार के लिए भी लड़ा गया शुरुआती, जैसे विश्व में भारत एक ऐसा इकलौता देश है जिसने आज़ादी के तुरंत बाद हमारे भारत के अंदर में रहने वाले सभी नागरिकों को मताधिकार का अधिकार दिया। सबसे पहला जो मताधिकार का अधिकार देने वाला जो देश था वो हम न्यूजीलैंड था, जिसने 1893 में उसने वोटिंग का अधिकार दिया अपने नागरिकों को, ठीक है। उसके बाद अमेरिका ने 1919 में और ब्रिटेन ने 1928 में वोटिंग का अधिकार दिया। तो ये 19वीं से 20वीं शताब्दी में ये वाले मुद्दे ज़्यादा अहम रहे, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं ना 1960 से लेकर 1980 के दशक में, तो 1960 से लेकर 1980 के दशक में नए नए तरह के मुद्दे उभर कर आते हैं, जिसमें सुरक्षा का मामला, ठीक है, शोषण का मामला, ये सब तरह की चीज़ें आ जाती हैं, शोषण वोषण है सारा, सुरक्षा शोषण, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो मतलब ह्यूमन ट्रैफिकिंग होता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग इधर से उधर बेचना, वेश्यावृत्ति, ठीक है, वेश्यावृत्ति, ठीक है, सेक्स रैकेट, ये सारी चीज़ें ना इसके अंदर में हम बात करते हैं इसके अंदर में, ठीक है फ्रेंड्स, ये सारा इसमें क्लियर हो जाता है। उसके बाद फ्रेंड्स हम बात करते हैं 1980 से लेकर अभी तक का जो हमारा आएगा, अभी आप सबने एक न्यूज़ में देखा होगा एक मी टू कैंपेनिंग चल रहा है, जिसके तहत ना जो औरतों के ऊपर जो भी शोषण हो रहा है उसके खिलाफ आवाज़ उठाया जा रहा है, किस तरह का शोषण है, क्या है, उसके खिलाफ आवाज़ उठाया जा रहा है, उसको के लिए लोग आवाज़ उठा रहे हैं, कोर्ट में जा रहे हैं मी टू कैंपेनिंग के थ्रू, ठीक है। तो ये सब इसके अंदर हम बताएंगे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस तरह से आवाज़ उठाता है, मानवाधिकार का वो करना, घोषणा करना, ठीक है, औरतों के लिए भी इस आरक्षण देना, ये सब सारा चीज़ें इसके अंदर में नारीवाद के परिप्रेक्ष्य के अंदर में हम बात करते हैं, ठीक है। नारीवाद का एक क्वेश्चन ये भी बनता है फ्रेंड्स कि ये तो बेस आप लिख सकते हो इसके अंदर में, नारीवाद का एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि भारत के संदर्भ में नारीवाद बताइए भाई, भारत से रिलेटेड,
ठीक है, ये भी बन जाता है। तो आप भारत की स्थिति में भी बताओगे कि किस तरह से क्या है भारत के अंदर में, ये बता सकते हो फ्रेंड्स। इजी है, कोई टफ नहीं है, आप इजीली कर लोगे, मुझे आप सब पे भरोसा है यार, आप कर लोगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बनता है। अगले अगर चैप्टर की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स, तो अगला चैप्टर आता है वैश्विक पर्यावरण मुद्दे। अगर इस चैप्टर के अंदर में हम देखें फ्रेंड्स, तो इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वैश्विक पर्यावरण मुद्दे के अंदर में? तो सबसे पहले आता है वैश्विक पर्यावरण के कौन कौन से मुद्दे हैं भाई आज के समय में, अभी प्रेजेंट के समय में 2019 में कौन कौन से मुद्दे हैं वैश्वीकरण के? तो भाई वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, वैश्विक तापवृद्धि, ये सब जो भी चीज़ें हैं ना, ये सारे वैश्वीकरण के मुद्दे ही हैं, आज के करंट मुद्दे हैं। ठीक है, ये सारे अभी हमारे करंट मुद्दे के तौर पे जाने जाते हैं, तो ये हमारे इसमें बताते हैं। ठीक है, चाहे जल संसाधन हो, मतलब धीरे धीरे भूमि का ह्रास हो रहा है, जल भूमि खत्म होती जा रही है, ठीक है, ये सब चीज़ें इसके अंदर में आता है। इसके अंदर में जो दूसरा क्वेश्चन बनता है फ्रेंड्स, अगर दूसरे क्वेश्चन की अगर हम बात करें, तो इसमें जो दूसरा क्वेश्चन बनता है वो आता है कि वैश्वीकरण को मतलब रोकने के लिए, जो भी वैश्वीकरण के प्रॉब्लम है हमारी, वैश्विक पर्यावरण के जो भी मुद्दे हैं हमें हमारे अभी, उसको रोकने के लिए वैश्विक पर्यावरण, सॉरी फ्रेंड्स, अगर मुद्दे वैश्वीकरण निकल गया हो तो कहीं बीच में, तो जो वैश्विक पर्यावरण के जो मुद्दे हैं उसको रोकने के लिए, उसको कम करने के लिए, उसके प्रभाव को कम करने के लिए क्या कदम उठाए जाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कौन से कदम उठाए गए, ये आता है। तो जिसमें आता है जोहानसबर्ग सम्मेलन बताओगे, एजेंडा 21 बताओगे, रियो डी सम्मेलन बताओगे, बाली सम्मेलन बताओगे, ठीक है, इस तरह जो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो सम्मेलन हुए, जो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मेलन हुए, ठीक है, जिसके अंदर में पर्यावरण को लेकर रिलेटेड बात की गई कि भाई पर्यावरण बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे हमें कुछ कदम उठाने चाहिए उसको रोकने के लिए, प्रभाव को कम करने के लिए, तो ये हम बताते हैं इसके अंदर में। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी इजिली है क्वेश्चन, कोई टफ नहीं है, आप कर लोगे इजिली। ठीक है, इसके अंदर नॉर्मली आप बता दो जोहानसबर्ग, एजेंडा 21, ठीक है, रियो डी जेनेरियो सम्मेलन जो हुआ, बाली सम्मेलन हुआ, ठीक है, ये सब बता दो, आपका सारा कवर अप हो जाएगा, उसमें कुछ बचेगा नहीं, सारा कवर हो जाएगा। जल संसाधन मतलब, और अलग अलग देशों की ऊपर प्रतिबंध लगाना है, सारा इसके अंदर में आ जाता है। ठीक है, ये फ्रेंड्स, ये वाला चैप्टर अगर समझ में आ गया हो फ्रेंड्स, तो अगला चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। अगला चैप्टर है फ्रेंड्स अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन की बात करते हैं फ्रेंड्स, कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन है क्या? तो नॉर्मली ये मतलब ये ना दो पार्टों में बटा हुआ है। ठीक है, वैश्वीकरण के मुद्दे और अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन, ये दो पार्टों में बटा हुआ है। पहली वाले में था कि वैश्वीकरण जो, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे कन्फ्यूजन हुआ था, ये आपका जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर थर्ड, मतलब जो यूनिट, मतलब आप चैप्टर नंबर 8 देखोगे, चैप्टर नंबर जो 8 है ना आपका, उस दो पार्टों में बटा हुआ है। पहले वाले में था वैश्वीकरण के मुद्दे, जो मैंने बताया कौन कौन से मुद्दे हैं, ठीक है, चाहे ध्वनि प्रदूषण हो, वायु प्रदूषण, ये सारे चीज़ें मुद्दे। दूसरे में आता है अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, कौन कौन से सम्मेलन किए गए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वैश्वीकरण को पर्यावरण को रोकने के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए, उसके बारे में हम बात करते हैं। दो पार्टों में बटा हुआ है। ठीक है, तो दूसरा वाला भी मैं बता चुका हूँ आपको, जिसमें किस किस तरह के सम्मेलन हुए, क्या सम्मेलन हुए, रियो डी जेनेरियो हो, चाहे जो भी हो, ठीक है, ये सारा इसके अंदर में हम आ जाता है। ठीक है, कौन कौन से प्रतिबंध लगाए गए, ये। इसके बाद एक और चैप्टर बचता है फ्रेंड्स हमारा, जो आता है अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, ये चैप्टर फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे कि आप जानते हो कि हमारे बहुत सारे देश हैं आज के समय में आतंकवाद से ग्रसित हैं, मतलब आतंकवाद से प्रभावित है, चाहे भारत हो, अमेरिका हो, चाहे बड़ा देश हो, चाहे छोटा देश, सभी आतंकवाद से प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो इसमें आता है, तो आतंकवाद का स्वरूप क्या है भाई, आज का प्रेजेंट स्वरूप क्या है आतंकवाद का, भारत के ऊपर क्या भारत को लेकर, भारत में आतंकवाद को लेकर क्या रोल है, जैसे कि अभी पता है हमारा, आपको पता है पुलवामा अटैक हुआ, भारत में भी कई तरह के अटैक हो चुके हैं, अभी श्रीलंका की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, श्रीलंका में भी आतंकवादी हमला हुआ, जिसके अंदर में श्रीलंका में बहुत सारे लोगों की जान मान की हानि हुई, 12-13 जगह बम ब्लास्ट हुए, सबसे करंट में यही मुद्दा है। तो आतंकवाद वाला चैप्टर को अच्छे से करना फ्रेंड्स, क्योंकि ना इस समय भारत की स्थिति जो है, या फिर पुलवामा अटैक के बाद, इस वाले से एक क्वेश्चन पक्का बन सकता है फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है। ठीक है, तो एक बार जरूर पढ़ना अच्छे से, जिसमें आतंकवाद के क्या परिणाम निकले, क्या है, क्या स्वरूप है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद को लेकर क्या कदम उठाए जा रहे हैं, कदम कौन कौन से हैं। तो कदम क्या है, मतलब प्रतिबंध लगाता है, जैसे भी अमेरिका मतलब यूएन ने मसूद अजहर करके जो आतंकवादी था, जिसने हमारे भारत के 26/11 वाले हमले के मेन मास्टरमाइंड के तौर पर माना जाता है, तो उसके ऊपर भी हमारे प्रतिबंध लगाया, मतलब अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित किया। ठीक है, अलग अलग देशों पे भी प्रतिबंध दबाव बनाता है, यूएनओ या फिर बड़े बड़े देश होते हैं, दबाव बनाते हैं आतंकवादियों को रोकने के लिए। ठीक है, भारत भी कई तरह के कदम उठाता है, तो ये सारा चीज़ें इसके अंदर हम बताएंगे कि किस तरह के कदम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाए जाते हैं। ठीक है, ये इसके अंदर में हम समझाएंगे फ्रेंड्स। ठीक है, ये आपका पूरा ही चैप्टर खत्म हो जाता है फ्रेंड्स, पूरा ही आपका खत्म बुक। उसके बाद फ्रेंड्स अगर हम बात करें, थोड़ा सा 2 मिनट और बात करते हैं, तो इसके क्वेश्चन लिखोगे कैसे, कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन आ गया आपका, ठीक है,
तो आप उसको लिखोगे कैसे? सबसे पहले अगर मान लो क्वेश्चन आप ले लेते हैं हम कि अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद है क्या, यही क्वेश्चन हम लेके चलते हैं, तो सबसे पहले फ्रेंड्स आप क्या डिफाइन करोगे अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद क्या है? यहाँ पे मान लो ये पेज है आपका, ये पेज है आपका, तो सबसे पहले यहाँ पे पहला पॉइंट अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद है क्या, सबसे पहले उसको ना 3 से 4 लाइन में डिफाइन करोगे। उसके बाद उसके जो भी पॉइंट्स आपने बनाए हैं, उसके बाद मान लो उसके प्रभाव पूछा है, परिणाम पूछा है, कारण पूछा है, जो भी पूछा है ना, उसके जो पॉइंट्स बनाए वो यहाँ पर आप ऐसे करके दिखाओगे। सारा पॉइंट्स में लिखने की कोशिश करना फ्रेंड्स, जितना अगर पॉइंट्स में लिखोगे उतने अच्छे से नंबर आपको मिल जाएंगे, ठीक है? ये ईजी वे होता है आपको नंबर गेट करने का। असल में फ्रेंड्स थोड़ा सा मेंटेलिटी भी होती है बच्चों की भी और टीचरों की भी कि नंबर वो देते नहीं है, बच्चे ऐसा मानते हैं कि नंबर वो देते नहीं है जिसका आंसर टीचर, वो सच में नंबर देते भी नहीं है, पर अगर आप हार्ड वर्क करोगे अच्छे से, आप अगर लिख के आओगे तो नंबर आपको मिलेंगे फ्रेंड्स, ठीक है? बी श्योर और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम फ्रेंड्स, कल आपका एग्जाम है, बेस्ट ऑफ लक, आप अच्छे से एग्जाम दें, अटेंड करके आएँ, ठीक है? और कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, एंड फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, जरूर करें, और अपने फ्रेंड्स को भी बताएं जो पढ़ रहे हैं बी एस फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर में, उनके लिए भी वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वीडियो, इससे काफ़ी हद तक आपका चैप्टर जो पूरा बुक है वो एक बार में क्लियर हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, हैव अ नाइस डे।